अगली रिपोर्ट मेरी बुरहानपुर से है, जहां पर रिहायशी मंसूबे के जरिए मुस्तफीद हो रही है हमारी आवाम। मुल्क के हर शहरी को उसका अपना पकान मुहैया कराने के लिए मरकजी हुकूमत ने वजीर आजम रिहायशी मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे के तहत मकान से महरूम गरीब लोगों को सस्ती शरह पर पक्के मकानों को तामीर किया जा रहा है। इन मकानों ने गरीबों की पक्की छतों में रहने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है। देखिए बुरहानपुर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। घनी रिहायशी बस्तियों के दरमियान कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के लिए वजीर शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना नेमत साबित हुई है। बारिश और गर्मी में परेशानी बर्दाश्त करते इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए मकान राहत और सुकून का सबब बन गए हैं। पानी, बिजली और सीमेंट की छत से बने इन मकानों में मुस्तफिदीन को वो सभी सहूलियात मिल रही हैं जिनके लिए वो अपने टूटे कच्चे मकानों में तरसा करते थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बुरहानपुर जिले में 7,000 से ज्यादा लोगों को मकान हासिल हो चुके हैं। देखो, गवर्नमेंट ने कैसे भी सरकार ने की है और अपना काम मैंने करवाया हूँ। क्या जो भी ये मिले मेरे को कैसे, फिर उसमें मेरा मकान बना के तैयार कर दिया। क्योंकि मेरा मकान तैयार हो चुका है, मेरा मकान कच्चा था। क्या अब पक्का मकान बन गया मेरा, सरकार ने कैसे भी तो पक्का मकान बना दिया। मुझे इससे ऐसा पता चला कि आवास योजना में पैसा मिल रहा था मकान बनाने का। मैंने फॉर्म भरा, मेरा पास हो गया, गवर्नमेंट से मुझे पैसा मिला, मकान बन गया मेरा। पहले मैं कच्चे मकान में रहता था, अब सिलेब के मकान में रह रहा हूँ। आप ये प्रधानमंत्री आवास योजना से खुश हैं? बहुत खुश हैं हम तो प्रधानमंत्री योजना से।